राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले को लेकर और असम के ही एक मंदिर में राहुल गांधी को जाने से रोके जाने से नाराज कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा आज पूरे देश में अपना विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कांग्रेस के कई विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। करीब 2 घंटे तक ये मौन धरना चला। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा और भाजपा की सरकार के द्वारा मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लोकतंत्र की हत्या करने के लिए ये हिटलरशाही की जा रही है और यही कारण है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हमला किया गया। इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। संवाददाता अंकुर की रिपोर्ट। चल रहा है एक लोकतंत्र को खत्म करने की सारी सूझनित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका, मैं तो आज कहना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है और अगर ऐसा हुआ तो मैं कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए हैं। हिटलर शाही चालू हो रही है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में ख़त्म हो गए उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचार थे, जो घोषणाएं थी, जो देश को वादे थे, उन पर देश ने भरोसा किया। देश की समृद्धि की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की इनकम की बात हो, महंगाई की मार की बात हो, न्याय की बात हो, काले धन की बात हो, या इस देश से नशा मुक्ति अभियान की बात हो, बहुत वादे नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग देश से किए और 10 साल बाद देश उससे भयावह स्थिति में पहुंच गया। देश में नफरत और घृणा का एक नया सूत्र भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात किया और देश की समृद्धि और आर्थिक रूप से आम आदमी को सहयोग के बजाय घृणा से जीतने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार करती रही। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली और देश में एक नया वातावरण बनाया जिससे कि देश में प्रेम प्यार मोहब्बत जो प्राचीन भारत का अपना एक इतिहास है, जो भगवान राम कृष्ण और पैगंबर और अंबेडकर की भावना है कि हम सब मिल के रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें, देश सबका है, इस भावना को ताकत दी और पूरे देश ने इसको आत्मसात किया। अद्भुत अकल्पनीय, उसमें आम जनता का सहयोग मिला। फिर भी देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस देश में आज है 45 साल की। सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश 2,45,000 करोड़ रुपए का, 200,45,000 करोड़ रुपए का आज है। अद्भुत महंगाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत हनन है और सबसे बड़ी बात कि देश में
अन्याय की पराकाष्ठा ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है, आम जन को भरोसा नहीं हो रहा है। ईवीएम को लेकर देश में प्रश्न चिन्ह बड़ी तादाद में उठ रहे हैं, जगह जगह आंदोलन और कोर्ट में हजारों की तादाद में एप्लीकेशन इसके खिलाफ लगी हुई है। इन सब भावनाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने 110 जिलों से 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू की। वो मणिपुर जिसमें लगभग 150 लोगों के कत्लेआम हो गया और प्रधानमंत्री और सरकार ने एक शब्द भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी।